सहायता करूंगा, चिंता मत करें, रो मत, परेशान रो मत तुम, बिल्कुल भी ले, ये पैसे रख ले, ये लो, ये देखो भाई अंकल जी, हमारे इतने धार्मिक, इतने दीन वाले इंसान है, ये देखो भाई कितने पैसे दे दिए, पढ़ाओ उन्हें थोड़ा बहुत, और कोई छोटा मोटा धंधा कर ले, सब्जी का कर ले, फल फ्रूट का कर ले, अपने बच्चों को खिला पिला, मुझसे नहीं देखे जाते, मुझसे नहीं देखे जाते, पड़ोसी वड़ोसी को हेल्प नहीं करता, खाना वाना नहीं देता, कभी दे देते उनका बच जाता है तो, बचा हुआ खाना देते हैं, अरे मतलब बचा हुआ खाना खाते हैं बच्चे, मतलब बच्चों को कुछ अच्छा कभी खिलाया आंटी जी आपने कभी? बच्चे ऐसा जानते ही नहीं है, क्या नहीं जानते बच्चे, खाना कैसा अच्छा वाला होता है, कैसे फल होता है, क्या पिज्जा, कभी पिज्जा बर्गर कुछ खिलाया, नहीं कभी खाया उन्होंने, किसी ने खाएंगे कहाँ से, कमाती नहीं तो उतना। एक लड़के ने स्टार भेजे थे इनके लिए, कितने स्टार भेजे थे? 5,000 स्टार भेजे थे, तो इसलिए मैंने इसको बुलाया, मैं कहा ज्यादा मजबूर है बेचारी, और भाई मैं ये कहता हूँ ऐसी औरतें और भी कोई मजबूर है या कोई इंसान बुजुर्ग है, बच्चे है, नहीं पढ़ते है, नहीं रोटी मिलती है, तुम मेरे पास स्टार भेजो या किसी से भिजवाओ, मैं उसकी भी सहायता करूंगा, कम से कम 100 स्टार तो भेजो ही भेजो, ज्यादा हाईलाइट होंगे, मैं उसकी जल्दी बुलाऊंगा, जल्दी सहायता होगी उसे। 50-60 रुपए दिन के बचते हैं? हाँ, पूरे दिन के, कभी कभी एक भी नहीं बिकता, पैदल पैदल घूमता आंटी, रिक्शा रिक्शा पैदल से घूमती हूँ, पैसे है ही नहीं रिक्शे में, कहाँ घूमूंगी, अरे तो मतलब आप कितनी दूर तक पैदल जाते हो? 4 किलोमीटर जाते हूँ। मुझे अंकल बोले थे कि बेटा फटाफट आज एक गरीब इंसान आया, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते बेटा, अंकल जी ये कौन है? ये बेचारी एक बहुत दुखी औरत है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा दुखी है बेचारी, तो इस इन्हीं के लिए आज मुझे आपने बुलाया? इन्हीं के लिए बुलाया है, एक लड़के ने इसके लिए स्टार भेजे थे, जी जी जी, तो मैंने इसे देखा भाई, इसके 3-4 बच्चे हैं, अच्छा अच्छा, बता रही थी, और आदमी इसका गुजर गया, बच्चे भी लेट हुए इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे हर आदमी गुजर गया, बेचारी झुग्गी में रहती है। आंटी जी क्या नाम है आपका? सुमन नाम है मेरा। सुमन नाम है आपका, आपके हस्बैंड नहीं है? हस्बैंड नहीं है। बच्चे कितने छोटे आपके? बच्चे तराव पर के हैं, कोई 15 का है, 10 का है। अच्छा, 2-3 मतलब 2-3 बच्चे आपके? हाँ, 3 बच्चे हैं, तीन, और आपके हस्बैंड नहीं है। उम्र कितनी आंटी आपकी? 50 साल। तो इतने छोटे बच्चे कैसे आंटी जी? वो मतलब देर से हुए थे, लेट से हुए थे, फिर हस्बैंड की डेथ हो गई है। डेथ हो गई। तो आप क्या करते हो आंटी जी? पेन बेचती हूँ। हाँ जी, पेन बेचती हूँ। पेन बेचते हो आप? अरे ये भाई इतना पेन, ये पेन बेचती है, पता नहीं कैसे गुजारा करती है बेचारी। अरे तो ये पन्नी में भी पेन ही आपके? हाँ पेन है मेरे। तो आंटी जी एक बात बताओ, पेन बेच के कैसे गुजारा कर लेते हो? मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कि गुजारा कैसे हो रहा है, अंकल कह रहे कि गुजारा कर लेते, गुजारा करते कैसे हो? एक लड़का मेरी मदद करके गया था। अच्छा, लड़का मदद करके गया था, आपका खुद का बेटा? नहीं जी, कोई मतलब, अच्छा कोई था, कोई था, मुझे पैसे दे गया था। किस चीज के पैसे दे गया था? मतलब मदद कर गया कि आप कुछ मतलब बच्चों के लिए डाल दो, बच्चे भूखे हैं तो आपके, बच्चे भूखे हैं तो आपके। हाँ। तो आंटी थोड़ा सा कैमरे से घबरा रही है। आंटी जी देखो, हम ना इससे ना वैसी वीडियो बनाते हैं, लोग देखते हैं, आप घबराओ मत, ठीक है? मतलब एक लड़का आया था जिसने आपको पैसे दिए थे कि आप बच्चे बच्चों के लिए खाना दे लेना, हेल्प करके गया था। हाँ, मैंने राशन डलवा दिया, राशन डलवा दिया था। अच्छा आंटी, चलो ये बताइए कि आप पैन बेच के कितना कमा लेते हो? 50-60 रुपए रोज होते, मुश्किल से होते। 50-60 रुपए रोज, 50-60 में कैसे गुजारा कर? नहीं हो पाता, नहीं है। 50-60 रुपए दिन के बचते हैं? हाँ, पूरे दिन के, कभी कभी एक भी नहीं बिकता, कभी कभी एक भी नहीं बिकता। हाँ, तो 50-60 रुपए आप रोज के कमाते हो बस? हाँ। तो उसमें गुजारा 3 बच्चों का अपना पेट भर लेते हो आप? नहीं भर पाता। तो बच्चे खाते क्या फिर? जब 50 भूखे सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। अरे मांगते नहीं कि मम्मी खाना दे? नहीं, मैं कहती हूँ बेटा खाना नहीं आया, ऐसे सो जाओ। अरे रोते भी होंगे फिर बच्चे तो आंटी, भूखे मारे रोते हैं बच्चे, बहुत परेशान है, मैं भी बहुत परेशान। कोई बात नहीं आंटी, रो मत। तो पड़ोसी वड़ोसी मतलब कोई मदद नहीं करता? आप कहाँ रहते हो आंटी? आप जे जे कॉलोनी रहते हो? जे जे कॉलोनी, अच्छा ये झोपड़ी में रहती है? झोपड़ी में, झुग्गियों में। वो भी एक पता नहीं बता रही थी, कोई तप्पर सा डाल के वैसे रहे। अरे तो फिर पड़ोसी वड़ोसी को हेल्प नहीं करता, खाना वाना नहीं देता? कभी दे देते हैं, उनका बच जाता है तो, बचा हुआ खाना देते हैं। हाँ। अरे मतलब बचा हुआ खाना खाते हैं बच्चे, मतलब बच्चों को कुछ अच्छा कभी खिलाया आंटी जी आपने कभी? ऐसा बच्चे जानते ही नहीं है, क्या नहीं जानते बच्चे, खाना कैसा अच्छा वाला होता है, कैसे फल होता है, क्या पिज्जा, कभी पिज्जा बर्गर कुछ खिलाया, कभी खाया उन्होंने, किसी ने? खाएंगे कहाँ से, कमाती नहीं तो उतना। अरे इसके बाद बेचारी कहाँ से खिलाएगी बताओ? इतने मतलब देखो भाई, वो तो कोई लड़का दे गया था 10-15 हजार रुपए, इसलिए ने राशन रूसन डलवा दिया, थोड़े पेन पून लिया। ये बताओ पेन बेचते हैं 2-2 रुपए वाले पेन है। तो आंटी जी कितने बिक जाते हैं दिन में? मतलब 50-60 लेते हैं लोग मार्केट लेते हैं, कोई नहीं भी लेता है, बहुत से कहते हैं चल बुढ़िया हमें नहीं चाहिए, मैं कहती ले लो मजबूरी है, नहीं हमें नहीं चाहिए। अच्छा, रोड पे बेचते हो, गलियों में बेचते हो? रोड पे बेचती हूँ।
तो लोग भगा देते आपको, हाँ। गाली वाली देते, धक्का मुक्के कर देते हाँ। हैं। तो भाई अगर कोई रोड पे ऐसे किसी औरत को देखते हो ना जो पेन वेन बेच रहे, तो ये मत सोचो कि भाई वो आपसे मांग रहे, आपके पैसे छीन रहे, चुरा रहे हैं, ये भाई करके खा रहे, भीख नहीं मांग रहे, तो धमकाया करो मत। आप देखो मजबूरी बताई ना उन्होंने कि तीन बच्चे कैसे कैसे 50-60 रुपये में गुजारा कर लेती है यार, और आप इनको गालियाँ देते हो, धमका देते हो, ऐसे मत करो करो यार। ऐसा बहन जी, दुखी मत हो और रो मत, मैं जी तेरी सहायता करूंगा, चिंता मत करे। आंटी जी रो मत, परेशान रो मत तुम, बिल्कुल भी ले, ये पैसे रख ले, ये लो, ये देखो भाई अंकल जी हमारे इतने धार्मिक, इतने दीन वाले इंसान है, अरे इससे देखो भाई कितने पैसे दे दिए। पढ़ा उन्हें थोड़ा बहुत, और कोई छोटा मोटा धंधा कर ले, सब्जी का कर ले, फल फ्रूट का कर ले, अपने बच्चों को खिला पिला। मुझसे नहीं देखे जाते, मुझसे नहीं देखे जाते अंकल जी ऐसे आदमी बेचारे। मैं तो ये समझता हूँ भगवान पता नहीं कितना दुख देता है, एक लेडीज हो गई बेचारी, चार बच्चों कैसे पालती है। आदमी होता तो अंकल जी कर भी लेता मजदूरी, आदमी होता कर भी ले, या बेचारी धक्के खा गए, पैदल चल चल के बताओ क्या करती है। पैदल पैदल घूमता आंटी, या रिक्शा रिक्शा? पैदल से घूमती हूँ, पैसे है ही नहीं रिक्शे में, कहाँ घूमूंगी। अरे तो मतलब आप कितनी दूर तक पैदल जाते हो? 4 किलोमीटर जाते हूँ। पेन लेने या पेन बेचने? लेने भी और बेचने भी। तो रिक्शा विक्शा से नहीं आते? नहीं जाते। आंटी जी आपकी उम्र हो चुकी है 50 साल के हो गए, तो आपके पैर वैर नहीं दुखते हैं? दुखते हैं। फिर रिक्शा क्यों नहीं लेते हो आप? सोच रही बच्चों का पेट पहले भरूंगी। अरे मतलब आप रिक्शा में नहीं जाती है आंटी, ये सोचती है कि इन 10-20 रुपए से ना मेरे बच्चे कुछ खा लेंगे। बच्चे पैसे भी तो मांगते होंगे ना, 5 रुपए दे दो मम्मी, 10 रुपए दे दो, मांगते होंगे ना? मांगते हैं, पर लाचार हैं बच्चे भी। बच्चे भी लाचार हो रहे हैं, मजबूर है ना, खा वैसे भूखे पेट सो जाते कई बार हाँ। दिन में भी एक दो है उनकी खूब भाई मुझसे नहीं देखे जाते, खिला पिला उनको, तंगी मत रहने दे किसी बात की, आगे भी मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा। बिल्कुल अंकल जी, जी हाँ पूरी हेल्प करूंगा, तेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा भी, तेरे को कमरा भी दिलाऊंगा बढ़िया, और मतलब सारी सहायता करूंगा। इतने 1 लाख रुपए से तू है ना छोटा मोटा बिजनेस कर ले, हैं क्या करोगे आंटी जी इन पैसों का? रेडी लगा लूंगी, रेडी लगा, बच्चों के दाखिला कर दूंगी। अच्छा अच्छा आंटी जी एक चीज़ बताइए, जैसे आप रोज के 50-60 रुपए कमाते हो, अगर आप रेडी लगा के 200-300 रुपए दिन के कमाओगे तो आप खुश हो जाओगे? हाँ हो जाऊंगी। बच्चों को खिला दोगे खाना? हाँ। कितने टाइम बच्चे खाना खा रहे हैं अभी? अभी तो बच्चे मेरे एक टाइम तो खा रहे हैं, जो भैया दे गया था पैसे मेरे को कोई। अच्छा एक टाइम, और उससे पहले? उससे पहले मेरे बच्चे भूखे सो रहे थे। भूखे सो रहे, क्या खिला मतलब कुछ तो खाते होंगे, पानी बस ले लिए, चावल चुवल का भी खरीद लिया बना के दे दिया। अच्छा अच्छा उधार मांग ली किसी से, पड़ोसी ने दे दिए। अरे कितनी दुखी औरत है। मतलब ये देखो भाई हम तो अपने घरों में फिर भी खा के सो जाते हैं, हम 5 टाइम खा रहे, 6 टाइम खा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे एक टाइम भी नहीं तो कह रही है पानी पिला के सो, पानी पिला के सो, रोते नहीं है बच्चे भूख के मारे, चिल्लाते नहीं, रोते नहीं भूख के मारे आंटी? अब आ गई है समझ बच्चों को धीरे धीरे। अच्छा उनको भी समझ में आ गई है हाँ। गरीब है भाई, नहीं खा सकते, नहीं खाना खिला सकते, बच्चे भी 15 साल के समझदार हो जाते हैं ना, और गरीबों के बच्चे तो अंकल जी है, अंकल जी भूखे नहीं रहेंगे, चिंता मत करे तू। अंकल जी ये बोलते हैं गरीबों के बच्चे ना उम्र से पहले समझदार हो जाते हैं। वो तो हो जाते भाई, वक्त की ठोकर मार है या ऐसी ठोकर लगती है, बच्चा शुरू से ही संभल जाता है, शुरू से समझदार हो जाता है, समझदार हो जाता है उसको। तो अंकल जी आपको किसी ने स्टार भेजे थे, लड़के ने जिन्होंने इनको बुलाया है? एक लड़के ने स्टार भेजे थे इनके लिए। कितने स्टार भेजे थे अंकल जी? 5,000 स्टार भेजे थे। अच्छा। तो इसलिए मैंने इसको बुलाया, मैं कहा यार ज्यादा मजबूर है बेचारी, और भाई मैं ये कहता हूँ ऐसी औरतें और भी कोई मजबूर है जी, या कोई इंसान बुजुर्ग है, बच्चे हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं रोटी मिलती है, तो मेरे पास स्टार भेजो, ज्यादा हाईलाइट होंगे, मैं उसकी जल्दी बुलाऊंगा, जल्दी सहायता होगी उसकी। जैसे ये बेचारी मजबूर है औरत, ऐसे ही मजबूर कमेंट्स में लिखो भेजो भाई मेरे ये मजबूरी है जी अंकल जी, कहीं से भी हो अंकल भाई बुलाएंगे आप, हाँ कहीं से भी हो मैं पूरा खर्चा दूंगा उसको, आने जाने का दूंगा उसको, सहायता करूंगा पूरी पूरी करूंगा, बताओ। तो भाई ये जो स्टार का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इसके लिए जो ये गिव का ऑप्शन है स्टार का है, इसमें स्टार भेजो कम से कम 100 तो भेजो, ज्यादा ज्यादा फिर आपकी मर्जी है, ज्यादा जल्दी सहायता होगी आपकी, ज्यादा जल्दी बुलाऊंगा। अगर भाई आप स्टार नहीं भेज सकते, जैसे ये आंटी भाई मोबाइल, जैसे ये नहीं जैसे बिचारी ने किसी से भिजवाए हैं हाँ हाँ। ऐसे ही आप नहीं भेज सकते, तो किसी की सहायता लेगा उससे भी। अभी देखो अंकल ने ना 1 लाख रुपए देके इनकी मदद करी है, ठीक है, अभी 1 लाख रुपए से रेडी लगा लिया आंटी पेन दिखाने को। तो भाई देखो 2-2 रुपए के पेन बेच के बचता है, मतलब कुछ नहीं बचता आंटी, पन्नी में भी पेन ही आपके सारे हैं, देख लो भाई 2-2 रुपए के पेन बेचते, 4 किलोमीटर जाके भीख नहीं मांगते आंटी, भीख क्यों नहीं मांगते? भीख में तो 400-500 रुपए मिल जाते हैं। नहीं भीख नहीं, अच्छी नहीं भीख लेना, भीख नहीं मांगते आप, देख लो भाई 2 रुपए का पेन बेचना मजबूर है, मतलब वो है मंजूर है, बच्चे भूखे सो जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन भीख नहीं मांग सकते। नहीं तो अगले ने मांगी नहीं बता रही थी, तभी अंकल मर जाऊंगे भीख नहीं मांग, तभी अंकल ने भी इनकी मदद करी है कि भाई ईमानदार आदमी होना चाहिए, दुनिया भीख मांग लेती है ऐसी मजबूरी में, लेकिन फिर भी पेन बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं बच्चों का।
आंटी भाई जी, मेरे पास तो दौलत इतनी है, मैं तो ऐसे गरीब आदमियों की सहायता करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, हर हालत में करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको स्टार जरूर भेजोगे। अगर आप भी मजबूर हो कमेंट में लिखना, मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी। हाँ, कमेंट्स में लिखना मेरी मजबूरी। स्टार भेजोगे तो अच्छा होगा, अंकल आपको बुला लेगा, कॉन्टेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है आंटी जी, आप रेडी वेडी लगा लेना, बच्चों को पालना, बाकी अंकल आपके साथ ही है, सुख दुख में बच्चों को पढ़ा भी देंगे, लिखा भी देंगे, सारी लगा लो रेडी लगा। ठीक है आंटी जी, अभी खुश होकर स्माइल स्माइल करके दिखाओ, हंस के दिखाओ, ये देखो खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहो, मैं पूरी सहायता करूंगा। चलो ठीक है अंकल जी।